यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक दूसरे दिन राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई। दूसरे दिन इस बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद मानवता के ऊपर सबसे बड़े खतरों में से एक है। यूएनएससी की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य राजधानी दिल्ली में एकत्र हुए। इस दौरान आतंकवाद से बचने वाले लोगों, पीड़ितों और उनके परिवारों की याद में एक मिनट का मौन रखा गया। विदेश मंत्री ने इस बैठक के दौरान कहा कि आतंकवाद मानवता के ऊपर सबसे बड़े खतरों में से एक है। यूएनएससी ने पिछले दो दशकों में आतंकवाद जैसे खतरे से निपटने के लिए मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी प्रतिबंध व्यवस्था के आसपास निर्मित एक महत्वपूर्ण वास्तुकला विकसित की है। यह उन देशों का भी ध्यान केंद्रित करने में बहुत प्रभावी हो रहा है जिन्होंने आतंकवाद को राज्य द्वारा वित्त पोषित उद्यम में बदल दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे यह भी कहा कि हाल ही के वर्षों में आतंकवाद समूहों ने विशेष रूप से खुले और उदार समाजों में तकनीक तक पहुंच प्राप्त करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। वह स्वतंत्रता, सहिष्णुता और प्रगति पर हमला करने के लिए खुली समाज की तकनीक, धन और लोकाचार का उपयोग करते हैं। यूएनएससी ने पिछले दो दशकों में इस खतरे से निपटने के लिए मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी प्रतिबंध व्यवस्था के आसपास निर्मित एक महत्वपूर्ण वास्तुकला विकसित की है। यह सब प्रयास उन देशों को नोटिस में डालने में बहुत प्रभावी रहा है जिन्होंने आतंकवाद को राज्यों द्वारा वित्त पोषित उद्यम में बदल दिया है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।